एबीपीएस न्यूज सच का साथी। मामला रामपुर तहसील के मिलक्का है, जहां पर सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के छात्र की जमकर पिटाई की गई, जो कस्बा मिलक के रोरा खुर्द निवासी हैं क्लास मॉनिटर के। शिकायत पर प्रिंसिपल ने बरसाए उस पर इतने डंडे कि बच्चा एकदम ठंडा पड़ने पर मजबूर हो गया। उसके माता पिता का आरोप है कि क्लास के मॉनिटर उसके पुत्र से रंजिश रखते हैं। मॉनिटर ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को वैभव पर झूठा इल्जाम लगाते हुए शिकायत कर दी। दोपहर 2 बजे अपने पुत्र को देखकर वो बेहाल हो गए और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाने तक को मजबूर हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार के आदेश के बावजूद भी स्कूल के बच्चों पर इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है? लेकिन इस बात से शायद आरएसएस से जुड़े हुए ये सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर इत्तेफाक नहीं रखते। वजह यही मानी जा सकती है कि इस समय केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। ये हुआ था, सर ने मुझे डंडों से मारा था, एट पीरियड खाली था, जिसके कारण बच्चों ने एक मॉनिटरों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जो बच्चा बात करेगा उसका नाम लिख दिया जाता है। एक बच्चा जो था वो गाना गा रहा था, उसे देखकर मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, जिसके कारण मॉनिटर ने नाम लिख दिया मेरा और वो प्रिंसिपल सर के पास ले गया। नाम प्रिंसिपल सर के पास नाम ले गया तो उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनने मेरे डंडे मारे और सारे बच्चों के मारे डंडे। जब वो डंडे मार करना तो मेरे भाई मैं की पापा को बुलाकर लेकर आऊंगा अपने, तो उन्होंने मेरे और मारा, धक्का दिया और धक्का देके मेरे भी मारा और डंडे मारे, तो मारते मारते डंडा भी छूट गया। बच्चे की स्थिति गंभीर नहीं है, परंतु उसके जगह जगह शरीर पे चोट के निशान है। हमने उसका मेडिकल कर दिया है और वापस थाने में जो कागज आया था उसकी तहरीर हमने भेज दी। गुम चोट भी बता रहा है, जगह जगह दर्द बता रहा है, जहाँ जहाँ निशान थे और गुम चोट थी वो सब हमने नोट कर दिए। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।